अब जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं कोड में आगे, इसका नाम है आस्की कोड। अब ये आस्की कोड होता है क्या है, जैसे आपका बाइनरी कोड होता है, ग्रेड कोड होता है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल कोड, उसी तरीके से ये क्या होता है आपका आस्की कोड होता है। आस्की कोड मतलब होता है आपका अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्या है, एक कोड है। किसने दिया इसको, अमेरिका ने। अमेरिकन स्टैंडर्ड है मतलब अमेरिकन वालों ने दिया है। ठीक है, और अगला चीज आता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन का मतलब अगर मैं किसी को अपना सूचना भेज रहा हूँ तो उस सूचना में क्या इंटरचेंज के लिए यूज होगा, इंटरचेंज के लिए, मतलब दोनों में अगर परिवर्तन करना है तो उस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, आस्की कोड का। जैसे मैंने उनको कुछ डेटा फाइल भेजा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटरचेंज कर देगा, किसमें, आपके आस्की स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। अब ये आस्की स्टैंडर्ड को कौन बनाया था, इसको बनाया था अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था। किसमें, ये बनाया था आपका 1963 में बनाया था। ठीक है, अब इसका यूज क्या था, ये अब क्या हुआ, समय के साथ साथ ये आपका आस्की कोड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और आज के मैक्सिमम के कंप्यूटर में, मॉडर्नाइज के डिजिटल कंप्यूटर जितने भी आते हैं वो किस पे आधारित है, आपके आस्की कोड पे आधारित है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो आपको कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर या फिर वेंडर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर को कौन से आधार पे बनाए। ठीक है, तो जो अभी आज का मॉडर्न कंप्यूटर आता है वो आस्की स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, कंप्यूटर अभी आस्की स्टैंडर्ड में कुछ चीजें हैं, ये जो आस्की स्टैंडर्ड है वो आपको बेसिकली क्या है, 7 बिट। क्या है, 7 बिट। 7 बिट का मतलब है 7 एड्रेस लाइंस। ठीक है, अब 7 बिट, 7 एड्रेस लाइंस, हम लोग इस एक फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 to the power n, या n क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस लाइन क्या है आपका, ये बिट है ना। तो अब इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2^7, और 2^7 का मतलब होता है आपका कितना होता है, ये होता है आपका 128। ठीक है, इसका मतलब होता है 128। ठीक है, अब ये 128 क्या है, तो 128 मतलब अगर हम लोग 7 बिट का अगर हम लोग कोई एड्रेस लेंगे, मतलब क्या कोई डेटा फॉर्म लेंगे 7 बिट वाला, तो हम उससे केवल और केवल कितना 128 अक्षरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हम 128 वर्ड को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे 7 बिट के यूज से। ठीक है, लेकिन ये आस्की कोड आपका 7 नहीं, ये है आपका 8 बिट। ठीक है, ये आपका क्या है, 8 बिट। 8 बिट मतलब होता है 2^8, मतलब 256। मतलब इस आस्की कोड की वजह से हम लोग 256 अलग अलग अक्षरों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं 256। अब ये तो हो गया 7 बिट और 8 बिट। इसमें जो मेन चीजें आती है आपके आस्की कोड में, उसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः मात्र आपके 7 ही बिट होते हैं। कितने, 7 ही बिट। ठीक है, ये होते हैं आपके मुख्यतः 7 ही बिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये जो 7 ही बिट में काम करता है आपका आस्की, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आस्की 8 बिट में काम करता है। तो ये जो 1 बिट, जो 1 बिट एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड या एडिशनल बिट। ये आपका एडिशनल बिट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो जब भी अगर हम लोग कोई नंबर को आस्की में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चूंकि होगी तो कितनी है, 8 बिट की, लेकिन हम लोग इसको मानते कितने हैं, 7 बिट। अब ये 8 बिट के पीछे कारण ये था कि अगर 8 बिट हम लोग अगर उसको यूज करेंगे तो उससे 256 अक्षरों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, उसकी स्टोरेज और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे उसकी स्टोरेज और स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वो 7 बिट से कहाँ शिफ्ट हो गया, 8 बिट। ठीक है, और ये जो आखिरी बिट होता है, ये आखिरी बिट फर्स्ट बिट होता है, ये होता है हमेशा आपके लेफ्ट साइड में फर्स्ट बिट, और ये होता है आपका 0। इसको तो हम लोग गिनते नहीं है, अगर जब भी कोई नंबर का वजन होता है तो हम लोग गिनते नहीं है। ठीक है, और ये फर्स्ट बिट को छोड़ के आगे का बिट लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया है क्या, गर्ग। ठीक है, तो गर्ग का मतलब ये, जैसे आप देखेंगे तो ये जो इसका टेबल दिखता है, ठीक है, ये होता है आपका किसका, ये है आपका आस्की कोड का टेबल, है ना। ये टेबल बिल्कुल आधारित है, जैसे हमने हेक्साडेसिमल देखा और बाकी और चीजें देखा है, ठीक है, उन्हीं बीसीडी कोड देखा, बीसीडी कोड ये उन सभी टाइप का है ये भी टेबल। ठीक है, और इस टेबल में अलग अलग अक्षर दिए हैं, जैसे ए को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं से आता है आपका जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई को, आर को, एल से। ठीक है, और ये हमने जो पिछले एग्जांपल्स में देखे थे, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। ये जो इस तरफ लिखा है वो कुछ नहीं है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो डेसिमल नंबर है उसी का कन्वर्जन है। ठीक है, और ये चूंकि 8 बिट पे आधारित है, इसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, तो उस सिद्धांत पे काम करता है, आप इसी चार्ट से निकल के आता है आपका जी का मान, आई का मान, आर का, और एल का। ठीक है, इसमें देखने वाली क्या बात है कि
जैसे हमने देखा कि ये जो आपका होता है ASCII कोड, ये मुख्यतः कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, लेकिन हम लोग लेते कितने हैं उससे 7 बिट। तो यहां पे देखो, जैसे यहां पे G1 है, ठीक है, जी जी एक अंग्रेजी अक्षर है, अल्फाबेट है, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कितना बिट यूज करते हैं? 7, ठीक है। चूंकि ये कौन सा कोड है? ASCII कोड है, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। तो हम लोग ASCII के टेबल में 0 को कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसके बाद के 7 बिट को लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आईवे के साथ भी, आरवे के साथ भी, कमेंट के साथ भी, और ये सब चीजें आपको क्लास से मिली है, टेबल से मिली है, और टेबल का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास एक शब्द दिया है गर्व, इसको हम लोग किस में लिख रहे हैं? ASCII कोड में। तो इसको हम लोगों का ASCII कोड में लिखने के लिए जी का मान मिल गया, आई का मान मिल गया, आर का मिल गया, ए का मिल गया, और सभी मान को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक बाइनरी नंबर सिस्टम मिल गया पूरा। और ये कौन से रूप में हमने आपका, ये है ASCII कोड, क्योंकि ASCII कोड में तो 0 और 1 चलता है, कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 समझता है। तो ASCII कोड को किस में रिप्रेजेंट कर दिया? ये हमने पूरा 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। और इस ASCII कोड को थोड़ा सा और आगे ले जाया जाए, तो ये तो चूंकि ये बाइनरी नंबर है, उसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? उसका हेक्साडेसिमल नंबर होता है आपका 47, और ये जो आई का हेक्साडेसिमल नंबर होता है 49, और आर का हेक्साडेसिमल नंबर होता है आपका 52, और ये एल का हेक्साडेसिमल नंबर होता है 46। और ये हेक्साडेसिमल नंबर आता कहां से? ये आपका चार्ट से आता है, जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम आता है वैसे ही आपका हेक्साडेसिमल आता है नंबर। तो ये तो हो गया किससे कन्वर्जन, आपका एक गर्ल नाम का शब्द लिए थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिए हमने? ASCII कोड में। ASCII कोड में सबसे मेन बात ये है कि ये एक 7 बिट है, वैसे होते तो ये 8 बिट है, ठीक है, लेकिन हम लोग लेते कितने हैं? मात्र 7 बिट को। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं करते।